2019 के रण का बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी भी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। दिल्ली में आज शाम 4 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनाव कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल होंगे। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। 11 अप्रैल को पहले चरण में 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी शामिल हैं। यूपी में बीजेपी और अपना दल के बीच लोकसभा चुनाव के लिए फिर से गठबंधन हो गया है। अपना दल यूपी में 2 सीटों पर लड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से ही चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से अपना दल के नेताओं की बैठक के बाद गठबंधन और सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हुआ और वो एक बार फिर से मोदी सरकार को साकार बनाने के लिए संकल्प उन्होंने लिया है। भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करती है। हम अपना दल और राजभर जी मिलके, तीनों लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, अब की बार यूपी में 74 पार का जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करेंगे। वहीं गुजरात बीजेपी नेता रेशमा पटेल ने बीजेपी पर मार्केटिंग कंपनी होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रेशमा पटेल पोरबंदर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं।